हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लॉ रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आज के वीडियो में हम संविदा विधि पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो हम लोग के आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पढ़ेंगे सभी अवैध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं, इस चीज का हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शून्य करार क्या होता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2(6) के अंदर हम देखते हैं कि शून्य करार की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है वह शून्य होता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो करार विधि द्वारा अपरिवर्तनीय होता है वह करार शून्य होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से करार शून्य होते हैं, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जो सक्षम पक्षकार द्वारा नहीं किया हुआ होता है, मतलब जो विकृत व्यक्ति अवैध व्यक्ति द्वारा करार किए होते हैं वो शून्य होते हैं। जिस करार में प्रपीड़न, अस्मक असर, कपट, दुर्प्रदर्शन आदि के प्रभाव से किया गया होता है वो शून्य होता है। जो वैध प्रतिफल के अभाव में किया जाता है वो करार शून्य होता है, और जो बिना प्रतिफल के किया जाता है करार वो भी शून्य होता है। जो विधिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो करार शून्य होता है। जो लोक नीति और अनैतिक होता है, अनैतिक होता है वह करार शून्य होता है, और जो न्यायालय द्वारा करार शून्य घोषित किया हुआ होता है वो करार शून्य होता है। काफी करार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किए गए रहते हैं। जिस करार का उद्देश्य प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं होता है वो करार अवैध होते हैं। इसे हम देखते हैं कि कौन कौन से अवैध करार होते हैं। जिसमें प्रतिफल होता है वो अवैध होता है, इसका उद्देश्य अवैध होता है। जो लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध होता है, जो करार विधि को विफल करने के लिए किया जाता है वो करार अवैध होता है। जो करार न्यायालय द्वारा निषेध घोषित किया गया होता है वो करार अवैध होते हैं। किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला करार किया जाता है वो अवैध होता है। अब जो अवैध करार होते हैं वो शून्य होते हैं, परंतु शून्य करार होते हैं वो अवैध नहीं होते हैं। इससे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अवैध करार शून्य होते हैं। जैसे हमने धारा 23 में पढ़ा कि अवैध करार वो करार होते हैं जो कि विधि द्वारा निषेध होते हैं, जो प्रतिफल अवैधानिक रहता है या फिर उद्देश्य अवैधानिक होता है। तो इसमें हम देख अवैध करार में मौजूद होता है, क्योंकि अवैध करार होता है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, और शून्य करार तो वही होता है ना जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवैध करार शून्य होता है, परंतु प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता है। इसका हम अध्ययन करते हैं। जो शून्य करार होता है, पहले हम देखते हैं जो अवैध करार होता है उसके अंदर क्या होता है ना कि वो प्रारंभ से शून्य, वो अवैध नहीं होता है, समय के अनुसार अवैध हो जाता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की कोई संविदा होती है, वो आराम से करार होता है, नॉर्मल करार होता है, बट युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध हो जाता है, तो वो अपरिवर्तनीय रह जाता है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो प्रारंभ में तो क्या होता है ना कि वो अवैध नहीं होता है, वैध होता है, बट युद्ध छिड़ जाने से, गवर्नमेंट के मना कर जाने से वो करार अवैध हो जाता है, क्योंकि वो लोक नीति को का विरोध करने वाला, विधि का विरोध करने वाला बन जाता है। पर जो शून्य करार होते हैं वो प्रारंभ से शून्य होते हैं। मान लीजिए मैंने एक 17 साल के बच्चे के साथ में कोई करार किया संविदा की, तो वो आरंभ से ही शून्य है। इसी प्रकार जो करार होता है, अवैध करार होता है, वो दंडात्मक प्रकृति का होता है, पर शून्य करार दंडात्मक प्रकृति का हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो अवैध करार है वो तो किसी प्रकार को क्षति पहुंचाने का या फिर लोक नीति के विरुद्ध उस टाइप का होता है, बट जो शून्य करार होते हैं वो तो अवैध के साथ, असमर्थ व्यक्ति के साथ करते हैं या प्रतिफल के बिना करते हैं, वो करार भी तो शून्य ही होते हैं ना, बट वो दंडात्मक प्रकृति के नहीं होते हैं। इस प्रकार जो करार शून्य होता है वो अवैध हो ये आवश्यक नहीं है, इससे ये स्पष्ट होता है। क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले अवैध करार को समझाया, फिर उसके बाद में शून्य करार को समझाया, फिर उसके बाद में शून्य करार अवैध क्यों है वो बताया, और अवैध करार सभी शून्य क्यों नहीं है ये हमने बताया। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।